मध्य प्रदेश के भोपाल में लॉकडाउन के तीसरे चरण में फैल रही अफवाहों के चलते भोपाल कलेक्टर ने अपना एक वीडियो जारी किया है। जो नए आदेश किए गए हैं उसके मुताबिक केंद्र सरकार के ऑफिस और जो राज्य शासन का आदेश है उनके ऑफिस उतनी संख्या के लोगों के साथ खोले जा सकते हैं जो उसमें प्रिस्क्राइब किया गया है, जो बताया गया है। 33% से ज्यादा स्टाफ केंद्रीय सरकार के जो ऑफिस हैं उसमें भी नहीं आने के निर्देश है। इसके अलावा 65 वर्ष से ऊपर व्यक्ति और 10 वर्ष से नीचे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते हैं। रात के शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक कोई भी नॉन एसेंशियल गतिविधि बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके अलावा यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि प्राइवेट एंटरप्राइज को अभी कोई परमिशन नहीं मिली है खोलने की। यदि कुछ लोग इसमें कन्फ्यूजन में हैं तो कृपया वे इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि अभी प्राइवेट एंटरप्राइज को परमिशन भोपाल में नहीं मिली है ओपन करने की, इसलिए कृपया अभी कोई ओपन ना करें। आईटी कंपनीज वगैरह अपने वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं। बैरासिया में चूंकि वो ऑरेंज जोन में आता है इसलिए वहां पे कुछ गतिविधियां अलाउ की गई हैं, कंस्ट्रक्शन की, कुछ शॉप्स ओपन हो सकते हैं, लेकिन वहां पे भी मल्टीप्लेक्सेस और मॉल नहीं खुलेंगे। भोपाल जिले में जो लॉकडाउन का आदेश था वो यथावत है, बाकी चीजें उसी तरह से रहेंगी। सिर्फ मेडिकल शॉप्स, किराने की दुकान, नगर निगम द्वारा प्रदाय की जाने वाली सब्जियां, ये यथावत रहेंगी। और इसके अलावा जो एग्जेम्पशंस एसेंशियल सर्विसेज के लिए दिए गए थे वो रहेंगे, बाकी सारी चीजें वैसे ही बंद रहेंगी जैसे कि पहले बंद थे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।